चलाने की इजाजत दी है, उस हवाओं ने तहफ्फुज़ की जमानत दी है। जब तरह उसने जलाने की इजाजत दी है, उस तरह जब तरह उसने जलाने की इजाजत दी है, उस हवाओं ने तहफ्फुज़ की जमानत दी है। और मेरी आवाज दबाने से नहीं कर सकती, मेरी आवाज दबाने से नहीं कर सकती, मेरी आवाज को अल्लाह ने ताकत दी है। मेरी आवाज दबाने से जब तरह उसने जलाने की इजाजत दी है, खुद हवाओं ने तहफ्फुज़ की जमानत दी है, मेरी आवाज दबाने से नहीं दब सकती, मेरी आवाज को अल्लाह ने ताकत दी है, मेरी आवाज को अल्लाह ने ताकत दी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये नहीं समझ रहा था कि आप मुझे इस तरह सुन लेंगे। खुदा ये कसम, जो शायरी का अंजाम आपने किया था मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन अब आपने हौसला दे दिया है तो मैं कुछ शेर पढ़ने की जसारत कर सकता हूँ। मेरी आवाज दबाने से नहीं दब सकती, मेरी आवाज को अल्लाह ने ताकत दी है। सुनिए शेर इस गजल के लिए, कुछ शेर सुन ले, उसके बाद आगे का सफर तय करूंगा। फिर मेरे नाम एक सड़क करके मेरे कातिल ने, अजमत भाई की शानदार बाबुखार सदारत भाई गज्जू खान साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त सामने बैठे हुए, शेर सुनिएगा कि मेरी आवाज को अल्लाह ने ताकत दी है, मेरे नाम एक सड़क करके मेरे कातिल ने, मेरे नाम एक सड़क करके मेरे कातिल ने, मेरे बच्चों को मेरे कत्ल की कीमत दी, मेरे नाम एक सड़क करके मेरे कातिल ने, मेरे नाम एक सड़क करके मेरे कातिल ने, मेरे बच्चों को मेरे कत्ल की कीमत दी है, मेरे बच्चों को मेरे कत्ल की कीमत दी है। अब ये शेर है इसमें जो बहुत कीमती है, आप सुन लेंगे तो आपका शुक्रिया, नहीं सुनेंगे तो शेर हल्का नहीं हो जाएगा। शेर समाज फरमाइएगा कि तुझ में कोई कमी छोड़े ही नहीं कुदरत। अब शेर पहुंचिएगा कि शेर मैंने कहां से कहा है कि तुझमें फलाना बैठे हुए हैं, तुझमें कोई कमी छोड़ ही नहीं कुदरत में, जैसी सूरत है तेरी वैसी सीरत की, तुझमें कोई कमी छोड़ ही नहीं कुदरत ने, तुझमें कोई कमी छोड़ ही नहीं कुदरत ने, जैसी सूरत है तेरी वैसी ही सीरत की है। और ताहिर शर्फी साहब बंबई से तशरीफ लाए हैं, बहुत करम फरमा दोस्त हैं। एक शेर इनकी नजर करता हूँ कि मेरी महफिल में उजालों की कमी रह जाती, मेरी महफिल में उजालों की कमी रह जाती, आपको इसलिए मैंने यहाँ जन्म दी, मेरी महफिल में उजालों की कमी रह जाती, मेरी महफिल में उजालों की कमी रह जाती, आपको इसलिए मैंने यहाँ सहमत दी है। और गालियां सुन के भी एहसान किए जाता हूँ, गालियां सुन के भी एहसान किए जाता हूँ, इसी आदत से मैं इस तरह बन करती, गालियां सुन के भी एहसान किए जाता हूँ। फिर लगाकर सुन ले अगर आप वाकई, तो मुझे मजा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चंद लोगों तक मेरे शेर पहुंच रहे हैं या आप सब तक पहुंच रहे हैं। अगर आप सब तक पहुंच रहे हैं तो एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए। बहुत शुक्रिया। गालियां सुन के भी एहसान किए जाता हूँ, गालियां सुन के भी एहसान किए जाता हूँ, इसी आदत ने मेरे रिस्क में बरकत दी है। और तू सखी है भाई, तू सखी है भाई, देखिएगा नवाब भाई और मुस्तफा भाई, खास तौर पर मुस्तफा भाई शेर सुनेगा, अगर तू सखी है तो अदा शुक्र के सज्दे कर ले, तू सखी है तो अदा शुक्र के सज्दे कर ले, उसने सबको कहा तो फिर से सना सकती है, तू सखी है तो अदा शुक्र के सज्दे कर ले, तू सखी है तो अदा शुक्र के सज्दे कर ले, तू सखी है तो अदा शुक्र के सज्दे कर ले, उसने सबको कहा तौफीक सहावत दी है। और रोबे शाही को वो खातिर में कहां से लाए, रोबे शाही को वो खातिर में कहां से लाए, जिसकी ठोकर ने भिखारी को हुकूमत दी, रोबे शाही को वो खातिर में कहां से लाए, जिसकी ठोकर ने भिखारी को हुकूमत दी है। एक चार मिसरे पढ़ना चाहता हूँ आजादी के 60 सालों में, 20-25 वर्ष तक हमारी कौम तजुब रही और ये फैसला न कर सकी कि हमें करना क्या है, इधर रहना है या उधर जाना है। 20-25 साल तो इस सोच में गुजर गए।
20-25 साल के बाद उसने सोचा कि नहीं, अब हमें पूरी तरीके से हिंदुस्तान में रहना है और कुछ करना है। तो उसने करने की तरफ ध्यान दिया, 20-25 साल से संभलने में लग गए। उसके बाद इस कौम ने सोचा कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है। आज रिजल्ट धीरे धीरे सामने आ रहा है। हमारे अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कौम में डॉक्टर इंजीनियर की तादाद बढ़ती जा रही है। अब जहाँ से मेरा शेर समाज फरमाइएगा, ये चार मित्र साहिर भाई खास तौर पर पेश करता हूँ, ये चार मित्र के ये हमारी कौम अब बेदार हुई है। तो मैंने ये शेर कहे कहे हैं कि अभी तक जो पड़े थे पत्तियों में, अभी तक जो पड़े थे पत्तियों में, वो ऊंचाई से वापस आ रहे हैं। अभी तक जो पड़े थे पत्तियों में, वो ऊंचाई से वापस आए हैं और तुम्हारे कद नजर आएंगे सोने उठाए अपने सर फैला रहे हैं। तुम्हारे कद नजर आएंगे सोने उजाले अपने पर फैला रहे हैं, उजाले अपने पर फैला रहे हैं, उजाले अपने पर फैला रहे हैं। समाज फरमाइए चंद शेर और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये भी साहिर भाई चार मित्र समाज फरमाइए कि धुआं उठता है नफरत का जहां से, धुआं उठता है नफरत का जहां से, सुना है वो सभाएं चल रही हैं। धुआं उठता है नफरत का जहां से, सुना है वो सभाएं चल रही हैं। और अभी तुम बम्बई से दूर रहना, वहां बादल हवाएं चल रही हैं। अभी तुम बम्बई से दूर रहना, वहां बादल हवाएं चल रही हैं, वहां बादल हवाएं चल रही हैं। संसार में जलील अबू आसिम नहीं हुए, संसार में जलील अबू आसिम नहीं हुए। गर्दन चुकी है शर्म से हिंदुस्तान की, संसार में जलील अबू आसिम नहीं हुए। गर्दन झुकी है शर्म से हिंदुस्तान की, और चीज चाहता है खेत में उसकी समझ हम तोहीन किससे की है हमारी समान। चीज चाहता है खेत ले उसकी जबान को हम, चीज चाहता है खेत ले उसकी जबान को हम, तोहीन किसने की है हमारी समान की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा किया देकर सदा दहशत पसंदों को, बहुत अच्छा किया देकर सदर दहशत पसंदों को। अदालत तेरे हक में सबके होठों पर दुआ होगी, बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर। अदालत तेरे हक में सबके होठों पर दुआ होगी, मगर हर एक हिंदुस्तानी तुझसे पूछता यह है जो है गुजरात के कातिल उन्हें किस दिन सजा होगी।